के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। रेल राज्य एवं संचार मंत्री मनोज सिन्हा से गोरखपुर न्यूज की विशेष बातचीत, कहा दूनी रफ्तार से बड़ा है फाइबर कनेक्शन। कैंपियरगंज में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, एसपी नॉर्थ ने बताया प्रेम प्रसंग में हुई थी महिला की हत्या। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है केंद्र और प्रदेश सरकार, संचालित की जा रही है विभिन्न योजनाएं। ईयरफोन लगाकर बाइक चलाने वाले तथा स्टैंड करने वाले बाइक चालकों को एडीजी ने किया सचेत, कहा यातायात नियमों का करे पालन, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है बड़ी दुर्घटना का कारण। हर्ष फायरिंग पर अब नजर रखेंगे पुलिस के चौकीदार, थानों पर होगी पुलिस मित्र की तैनाती, एडीजी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी ने बिना मान्यता प्रमाण पत्र के चलाए जाने वाले स्कूलों पर लगाए 1,00,000 का जुर्माना, कहा अभिभावक सरकारी स्कूलों में कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, पहले भी कई घटनाओं को दे चुका है अंजाम। 15 मई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में होगा संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। यूपी हैंडेड में तैनात सिपाही अजीत कुमार पांडे को एसएसपी ने किया निलंबित। 2 साथी चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उनके पास से एलसीडी, पंखा और 5,000 नकद भी बरामद। विश्व संवाद केंद्र एवं प्रचार विभाग गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में नारद स्मृति समारोह के तहत वक्ताओं ने राष्ट्रीय मूल्य विषय पर रखे विचार। सिपाही द्वारा मजदूर की पिटाई पर वायरल हुई वीडियो पर एसएसपी ने आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड, एसपी नॉर्थ निधि जानकारी। सुनील सिंह द्वारा हिंदू वाहिनी के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने के मामले में मची गहमा गहमी, वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल बोले विधि पूर्वक होगी कार्रवाई। सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन, कहा सरकारी उदासीनता से त्रस्त आ गई है जनता। 7वां हिंदू जनजागृति समिति में भाग लेने के लिए गोरखपुर से भी जाएंगे कई प्रबुद्ध हिंदू। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं का पिपरौली ब्लॉक की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक हुई संपन्न। और मारवाड़ इंटर कॉलेज को दिया गया क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संचालन का प्रभार।